ऑन एबीसी यानी कि ऑल अबाउट कुकिंग। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आलू से बनने वाली एक और रेसिपी बताने वाली हूँ, लेकिन आलू से बनने वाली एक और नहीं, बहुत सारी रेसिपीज है। क्योंकि आलू ही एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो जिस सब्जी में पड़ता है, जिस डिश में पड़ता है, उसके चार चांद लग जाते हैं। तो चलिए ऐसे ही चार चांद लगाने वाली एक रेसिपी, एक डिश हम बनाने जा रहे हैं, आलू शिमला मिर्च। ये है तो एक स्टार्टर, लेकिन आप चाहें तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो फिर हुई ना ये आलू शिमला मिर्च की सब्जी। तो चलिए सबसे पहले हम लेंगे आलू। इसको हमने पार बॉईल किया है, यानी कि ये आधा कच्चा पक्का है। आलू को कच्चा पक्का बनाने के लिए आप इसे पील कर लीजिए, फिर गर्म पानी में आप इसे 5 या 6-7 मिनट के लिए उबाल लीजिए, या फिर अगर आप इसे प्रेशर कुक कर रहे हैं तो बस एक सीटी लगवा दीजिए। अब हम इसके काटेंगे वेजेस। आलू के वेजेस काटने के बाद हम आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये रहे हमारे आलू के वेजेस। अब हम काटेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च। हम लेंगे एक हरी हरी शिमला मिर्च और इसके भी हम वेजेस कट कर लेंगे। पहले अंदर से हम क्लीन कर लेंगे इसे। तो ये हमारी सब्जी कट गई है। अब हम हमारे आलूओं को फ्राई कर लेंगे। कभी भी हम अगर वाटर कंटेंट वाला इंग्रेडिएंट फ्राइंग में डालते हैं, फ्राइंग तेल में डालते हैं, तो वो ज़्यादा उछल सकता है, छिड़क सकता है आप पर। तो उसके लिए आप लीजिए ये झारा, इसमें डालिए हमारे इंग्रेडिएंट्स, हमारी सब्जी, और धीरे से इसे गरम तेल में छोड़ दीजिए। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए और फिर इसे साइड पर निकाल लीजिए। इसे हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे हमारी वेजेस में कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को बहुत ही हल्के से हमें फ्राई करना है। शिमला मिर्च को पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, तो बस हम थोड़ा सा इसे क्रिस्पी करके टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। तो ये रही हमारी फ्राइड वेजेस। अब हम इसे बनाएंगे एक सब्जी की तरह। तो सबसे पहले एक पैन ले लेते हैं, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, बहुत थोड़े से। इसे हम थोड़ा सा टॉस करेंगे, जैसे ही अपना कलर चेंज कर ले और सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए अदरक। पैन जब ज़्यादा गर्म हो जाए तो हमारी इंग्रेडिएंट्स जल भी सकते हैं, तो हल्का सा आप उसे उठा के टॉस करें तो वो जलने से आप उसे बचा सकते हैं। दैट विल बी ऑल। जैसे ही प्याज पकने लगता है, उसकी जो डेंसिटी है वो अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि पानी सारा सूख जाता है। तो आपको दिख रहा है कि प्याज कम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, इसे भी हम टॉस कर लेंगे। जैसे सब्जियां पकती हैं, आप देखेंगे कि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। नाउ दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू ऐड हमारे मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मिर्च, बहुत थोड़ी, उसके बाद धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी बाकी मसाले जब आप डालें, उसके मुकाबले हल्दी बहुत ही कम लगती है सब्जी में। इसका ध्यान ज़रूर देना, वरना अगर आप हल्दी भी उतनी ही डाल देंगे जितना धनिया पाउडर डालेंगे, तो सब्जी में सिर्फ हल्दी का ही टेस्ट आएगा। और अब हम इसमें डालेंगे हमारे ये फ्राइड सब्जियां और इस मसाले के साथ हम इसे पकाएंगे। अच्छे से इसे टॉस कर लेंगे ताकि सारा मसाला इन सब्जियों को लग जाए। अगर आपको लगे कि मसाला पैन में लग रहा है, दैट मीन्स योर पैन इज़ वेरी हॉट, आपका पैन बहुत गर्म है और आपकी सब्जी जल सकती है, तो आप पैन को आँच से उठा लीजिए और बहुत हल्के हाथ से टॉस करिए, तब आपकी सब्जी जलेगी नहीं। हमारी सब्जी रेडी हो गई है, लेकिन स्वाद तो हम भूल ही गए। स्वाद इसमें हम डालेंगे एंड में, ऊपर से थोड़ा सा नमक छिड़केंगे और फिर इसे
हल्के हाथ से फिर से टॉस कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है सब्जी का। चलिए अब इसकी एक अच्छी सी प्लेटिंग कर लेते हैं। मैं लूंगी ये प्लेट और मेरी सब्जी को बड़े ही प्यार से, जितने प्यार से आपने उसे बनाया है उतने ही प्यार से हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। और इस पर हम रखेंगे थोड़ा सा धनिया या पार्सले, जो भी घर पर अवेलेबल है। तो रेडी हो गई है आपकी आलू और शिमला मिर्च का स्टार्टर या फिर सब्जी। देखिए इस बढ़िया सी रेसिपी का एक सिंपल सा रिकैप। आलू शिमला मिर्च बनाने के लिए हमें चाहिए सामग्री: 3 से 4 पार बॉइल्ड आलू, 1 शिमला मिर्च, 1 कटा हुआ प्याज, 2 कटे हुए टमाटर, 1 टीस्पून अदरक, 2 टीस्पून ताजा धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, गार्निश के लिए धनिया। आलू शिमला मिर्च बनाने की विधि: आलू को 5 मिनट तक उबालें। अब आलू और शिमला मिर्च को वेजेस में काट लें। एक पैन में तेल डालकर गरम करें, आलू और शिमला मिर्च डालकर फ्राई करें। एक अलग पैन में तेल गरम करें, इसमें मिलाएं कटे हुए प्याज, कटा हुआ अदरक, कटे हुए टमाटर और इन्हें पकाएं। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक डालकर पकाएं। इसमें अब फ्राइड आलू और शिमला मिर्च डालकर पका लें। गार्निश के लिए इस्तेमाल करें धनिया। आपका आलू शिमला मिर्च तैयार है। तो हमारी ABC की पाठशाला का पहला एपिसोड आज खत्म होता है, लेकिन आपको मुझसे मिलते रहना होगा, पूरी डिग्री जो हासिल करनी है ना? तो हम मिलेंगे अपने शो पे जिसका नाम है ABC All About Cooking।